हेलो एवरीवन, मैं गोल्डी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कटिंग स्पीड, फिड एंड डेप्थ ऑफ कट। मींस कटिंग स्पीड, फिड और डेप्थ ऑफ कट क्या है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम कटिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे। कटिंग स्पीड को और भी नामों से जानते हैं, पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि कटिंग स्पीड है क्या। द कटिंग स्पीड ऑफ अ टूल इज़ द स्पीड एट विच द मेटल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस विद द हेल्प ऑफ टूल। मतलब क्या है कि कटिंग स्पीड ऑफ टूल वह स्पीड है जिस स्पीड से टूल जो है वो मेटल को रिमूव करता है वर्कपीस से। तो ये तो डिफिनीशन है, और भी क्लियर होगा जब हम डायग्राम से समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसका यूनिट मीटर पर मिनट होता है और इसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे वी जो है वो नोटेशन है कटिंग स्पीड के लिए, और इसका फॉर्मूला यहाँ है पाई डी वन एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट। यहाँ पर डी वन क्या है, वर्कपीस का डायामीटर है बिफोर मशीनिंग। एमएम में लेते हैं, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाता है। और एन क्या है, वर्कपीस का स्पीड आरपीएम में। इसको स्पिंडल स्पीड भी बोलते हैं क्योंकि वर्कपीस जो है वो स्पिंडल पे ही माउंटेड होता है। यहाँ पर डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम है कटिंग स्पीड, फिड, डेप्थ ऑफ कट फॉर सिलिंड्रिकल टर्निंग ऑन लेथ मशीन। यहाँ पे वर्कपीस है, ये टूल है, ये डी वन जो है वो डाया ऑफ वर्कपीस है बिफोर मशीनिंग, और डी टू जो है वो आफ्टर मशीनिंग। यहाँ पे फिड का डायरेक्शन दिखाई हूँ मैं, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे सिलिंड्रिकल टर्निंग के केस में वर्क जो है वो हमारा रिवॉल्व करता है, टूल जो होता है वो स्टेशनरी होता है। और कटिंग स्पीड को हम डी वन डाया पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका साइड व्यू मैं यहाँ पे ड्रॉ की हूँ। अगर वर्कपीस जो है वो एन स्पीड से रोटेट कर रहा है तो इसका अपना एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी को यहाँ पे शॉर्ट में मैं टीवी लिखी हूँ। इसको पेरिफेरल स्पीड भी बोलते हैं, जिसको मैं पीएस लिखी हूँ। तो टूल का यहाँ पे अपना कोई स्पीड नहीं है, वर्क रिवॉल्व करता है एक जगह पे, और जिस स्पीड से वर्क रिवॉल्व करता है उसी स्पीड से टूल जो है वो मटेरियल को रिमूव कर पाएगा वर्क से। तो यही जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी और पेरिफेरल स्पीड ऑफ वर्कपीस, यही हमारा कटिंग वेलोसिटी और कटिंग स्पीड कहलाता है टूल का। यही मैं डिफरेंट नाम से यहाँ पे लिखी थी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी वर्क का और पेरिफेरल स्पीड भी वर्क का जो है वो कटिंग वेलोसिटी ऑफ टूल और कटिंग स्पीड ऑफ टूल कहलाता है। ये नीचे में जो मैं लिखी हूँ ऑफ वर्कपीस, ऑफ वर्कपीस, ऑफ टूल, ये छोटा सा ये बस समझने के लिए है। इसको इसका कोई यहाँ पे खास मीनिंग नहीं है, क्योंकि कटिंग स्पीड को बस टेंजेंशियल वेलोसिटी ही बोलते हैं, कटिंग वेलोसिटी बोलते हैं, पेरिफेरल स्पीड बोलते हैं। ये बस समझने के लिए है, ये बस ध्यान में रखिए ताकि एक जब भी आपके सामने कटिंग स्पीड आए, एक टर्म लिखा हुआ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक इमेज फॉर्म हो कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो ये समझाने के लिए मैं बस लिखी हूँ। और एक बात यहाँ पे अगर मैं सिंपल में समझाऊँ, एक लाइन में जैसे मैं समझती हूँ कटिंग स्पीड के बारे में, तो बस इतना ध्यान में रखिए, समझने के लिए है ये सब, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ समझने के लिए, कि ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए कि जैसे इसका यूनिट होता है मीटर पर मिनट, मतलब कि, और है पेरिफेरल स्पीड, तो इसके पेरिफेरी पे टूल जो है वो कितना डिस्टेंस एक मिनट में कवर करता है। जितना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा टूल एक मिनट में इसके पेरिफेरी पे, वही इसका
कटिंग स्पीड हो जाएगा, उतने ही स्पीड से वो मेटल को रिमूव करेगा वर्कपीस से। तो आप समझ गए होंगे, इतना काफ़ी है। अब देखेंगे फीड के बारे में कि फीड क्या है। द फीड ऑफ ए कटिंग टूल इज द डिस्टेंस द टूल एडवांसेस फॉर इच रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्कपीस। मतलब जो फीड ऑफ कटिंग टूल है वो डिस्टेंस है जो टूल एडवांस होता है प्रत्येक रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कपीस के लिए। यहाँ पे समझते हैं, ये फीड का डायरेक्शन है। वर्क जो है वो किसी एक जगह पे रिवॉल्व कर रहा है और टूल स्टेशनरी है। अगर इस पॉइंट पे जैसे यहाँ पे कटिंग में दिखाई हूँ तो यहाँ तक कटिंग हो चुका है और आगे के इन सारे लेंथ पे भी कटिंग बाकी है और वर्क तो अपने जगह पे रिवॉल्व कर रहा है, फिर ये कैसे कटिंग हो संभव है आगे। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक रिवॉल्यूशन के लिए टूल जो है वो कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ते रहता है हमेशा, और जो टूल डिस्टेंस बढ़ता है आगे प्रत्येक रिवॉल्यूशन के लिए वही फीड ऑफ टूल कहलाता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सियल फीड होता है सिलिंड्रिकल टर्निंग के केस में, और इसका यूनिट mm पर रिवॉल्यूशन होता है। ये एक्चुअली काफ़ी छोटा लेते हैं क्योंकि अगर बड़ा लेंगे तो कटिंग टाइम हमारा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन साथ ही जो टूल का लाइफ है वो भी कम हो जाता है और साथ में सरफेस फिनिश भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम कम रखते हैं इसकी वैल्यू को। 5 mm अगर जैसे कटिंग करना है तो हम 0.5 या 1 mm लेके धीरे धीरे करके ही कटिंग करेंगे, एक बार में 5 mm नहीं करेंगे। आगे देखते हैं डेप्थ ऑफ कट के बारे में। डेप्थ ऑफ कट क्या है? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द मशीन्ड सरफेस टू द अनकट सरफेस ऑफ द वर्कपीस। यहाँ पे ये मशीन्ड सरफेस है, ये अनकट सरफेस है, इस दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही डेप्थ ऑफ कट है। इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। mm में होगा डेप्थ है तो, और इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू डी वन माइनस डी टू बाई टू mm। डी वन से अगर डी टू को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिलता है हमें, और टू से जब डिवाइड कर देंगे तो या तो ये डिस्टेंस मिलेगा या तो ये मिलेगा जो हमारा डेप्थ ऑफ कट है। डी वन डी टू यहाँ पे पता है हमें क्या है, डाई ऑफ वर्कपीस है। एक जो है वो है बिफोर मशीनिंग और एक जो है वो हमारा आफ्टर मशीनिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं हमेशा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन को लेके आती हूँ जो कि मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।